मेरे को सर ब्लैक एंड व्हाइट से रिलेटेड मुझे भी अपना इंसिडेंट याद आ गया। अब जैसे मुझे क्या है ना, बचपन से ही कलर में प्रॉब्लम होती थी, शुरू से मुझे कलर समझ ही नहीं आए कभी। मतलब जैसे मेरे से कोई बोलता था कि ये वाला कलर दे दो, मैं कुछ और पकड़ा देता था, कोई और बोला जाता था, और मुझे पूरे बचपन अपने समझ ही नहीं आया कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ में। और मेरे को ब्लैक एंड व्हाइट बहुत अच्छा लगता था शुरू से ही, छोटे से ही। अब अभी पिछले 3-4 साल पहले मैंने लाइसेंस के लिए जब मैं अप्लाई करने गया, तब मुझे अब जा करके मुझे पता लगा कि मुझे कलर ब्लाइंडनेस है, मुझे रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस है। और वो मैं बचपन से उस चीज से परेशान रहा कि मतलब मुझे कलर क्यों नहीं समझ आते, अब जा करके मेरे को समझ आया। लेकिन उसकी वजह से ना वो शायद एक नेचुरल इंस्टिंक्ट ब्लैक एंड व्हाइट को लेकर के बन गई, कि जहां पे भी मैं कहीं जा रहा हूँ, कोई मैंने पर्टिकुलर सीन देखा तो मुझे ब्लैक एंड व्हाइट में बिल्कुल मैं एग्जैक्ट उसको वो कर लेता हूँ कैलकुलेट कि ये ऐसे हुआ। मतलब आपको क्लैरिटी आ जाती होगी ब्लैक एंड व्हाइट में उसको देखते ही, राइट राइट वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है एज ए फोटोग्राफर आर्टिस्ट। देखिए वो एक मे भी हो सकता है कि मेडिकली वो एक प्रॉब्लम बताया जाए कि इसको कलर राइट ब्लाइंडनेस है, बट एज एन आर्टिस्ट आप देखिए कि वो बहुत बड़ा पॉजिटिव पार्ट है राइट बिल्कुल आर्टिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक छोटा बच्चा जब वो जन्म लेता है ना, 6 मंथ 1 ईयर का होने वाला होता है, आपको पता है ना कि वो भी कलर ब्लाइंड ही होते हैं एक तरह से, उसको भी कलर समझ नहीं आता उस छोटे बच्चे जी को। जी 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 और ये बहुत कॉमन फेनोमेन है, इसका मतलब वो बच्चा थोड़ी गलत है। राइट गॉड हैज नॉट गिफ्टेड दैट थिंग टू दैट चाइल्ड, उसको कलर की समझ नहीं होती है। तो राइट अगर हम चाइल्ड बड़े रहे ऐसे लाइफ लॉन्ग तो क्या बुरा है, कुछ ये आपने नहीं है। बड़ा अलग पर्सपेक्टिव दे दिया मुझे। जी सर सही बात है तो हम देखो हर निगेटिव चीज के साथ ना पॉजिटिव चीज जुड़ी होती है, राइट हमें अपना माइंडसेट बस पॉजिटिव रखना है। देखो कोई भी चीज दुनिया में, हर चीज पॉजिटिव आपके आसपास ना तो हो सकती है ना मिल सकती है। बिल्कुल अच्छी बात क्या है कि आप उस निगेटिव चीजों में से अपना पॉजिटिव चीज कैसे निकालते हैं, और आपका पॉजिटिव माइंड ही उसको वो कन्वर्ट कर पाएगा। बहुत राइट सारे प्रॉब्लम्स हैं हर पर्सन के उसमें, लेकिन आप देखो अगर जिनका माइंडसेट पॉजिटिव है वो डिफिकल्टीज में भी सारा सारा कुछ अपना कर ही लेते हैं, संभाल लेते हैं। राइट तो हमेशा आप देखो कि मेडिकली अनफिट वो जो चीजें हैं उसको आपने आर्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। जी राइट राइट तो सेल्फ सेल्फ खुद को चैलेंज देना ना सबसे अच्छा होता है हमेशा। एज एन आर्टिस्ट हमेशा एक पर्सन को खुद को चैलेंज देना चाहिए, राइट और अगर आप अपने आप को फ्लेक्सिबल रखेंगे लाइफ में ना, राइट और ओपन कर देंगे बिल्कुल कि मुझे नहीं ये भी करना है, मुझे ऐसे भी करना है, मुझे इस, तो अपने आप को थोड़ा सा आपको बाहर मतलब अपने कंफर्ट जोन से जैसे ये बाहर निकालते हैं ना, आर्ट अपने आप जो है निखरना शुरू होता है, तभी राइट 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 और जैसे अभी पता चलती है। आपने बोला जैसे कि फ्री फ्लोइंग अगर हम अपने आप को रखेंगे, क्या मतलब यही रीजन है कि आप अपने आप को कैटेगराइज करना पसंद नहीं करते फोटोग्राफी के जॉनर में, या करते हैं, या क्या आपका रहता है कि कोई आप करते हो अपने आप को कि स्ट्रीट फोटोग्राफर अपने आप को कहोगे, या सिर्फ ट्रैवल फोटोग्राफर कहोगे, या आप फ्री फ्लोइंग रहते हो देखो उन फ्री मामलों में? फ्लोइंग हूँ काफी, स्टूडियो को छोड़ करके मैं बहुत जी कुछ चीजें करता हूँ। स्टूडियो नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पता है आई कांट राइट सिट, आई जी जी कांट जी मतलब वो अंदर के लाइट को, अननेचुरल लाइट पर मैं काम नहीं कर सकता, मैनमेड लाइट पर। राइट मुझे हमेशा नेचुरल चाहिए चीजें, मेरे सब्जेक्ट्स जो भी मैं क्लिक करता हूँ ना सब कुछ नेचुरल होता है, वो हो रहा होता है। आज तक मैंने कभी किसी को किसी चीज के लिए ये नहीं कहा यहाँ खड़े हो जाओ या वहां बैठ जाओ, मुझे ऐसे लेना है, लाइट यहाँ से आ रहा है, कुछ नहीं। तो ये क्या होता है कि ये जो माइंडसेट है आपका ना, ये यही फ्री फ्लो है। राइट होता क्या है, सबसे पहले आप फोटोग्राफर हैं, उसके बाद आप स्ट्रीट फोटोग्राफर हैं या ट्रेवल फोटोग्राफर हैं, आप या ये हैं या वो हैं, दिस दैट, ये आपकी चॉइस बाद की हो सकती है। बट राइट फोटोग्राफी का पहला जो रूल है वो तो सबको फॉलो करना होता है, आप पहले फोटोग्राफर हैं। अब देखो, अब जैसे मैं नेट जियो से भी एसोसिएटेड हूँ, नेशनल ज्योग्राफिक जी सोसाइटी जी से, जी नेट जियो के लिए भी काम आता है, असाइनमेंट्स आता है उनको। अब अगर मैं कह दूं कि मैं केवल स्ट्रीट फोटोग्राफर हूं तो नेट जियो मेरा काम नहीं देगा। अब नेट जियो का मैक्सिमम वर्क जो है वो ट्रेवल या डॉक्यूमेंट्री वर्क है। राइट 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 अब अगर मैं वो काम नहीं करूंगा तो मैं नेट जियो के लिए क्या करूंगा। सही बात है जी अचानक से वो मेरे पास अगर आ जाए, और कई कई बार ऐसा होता है, अभी पीछे एक असाइनमेंट आया और उन्होंने कहा कि हमारे पास वी हैव ओनली 3 डेज, अच्छा प्लीज यू हैव टू सेट। अब बताओ कि अब 3 डेज में अगर पहले ही से मैं अपने आप को सेट करके बैठा हूँ कि मैं स्ट्रीट फोटोग्राफर हूँ तो मैं नेट जियो को क्या दूंगा। और 3 दिन में आप अचानक से कोई जादू तो कर नहीं सकते, जिस काम में राइट आपको 3 साल लग गए वो 3 दिन में तो नहीं कर सकते ना। सो मैंने अपने आप को थोड़ा फ्लेक्सिबल रखा है, बट हाँ एक लिमिटेड मेरा भी जॉनर है, लाइक मैं स्ट्रीट, डॉक्यूमेंट्री और ट्रेवल, इन तीनों पर मेरा फोकस हमेशा होता है क्योंकि यही चीजें मुझे कम्युनिकेट कर पाती है। जैसे सपोज करो मैं स्ट्रीट कर रहा हूँ तो
वो चीजें मुझे कम्युनिकेट करती हैं, वो छोटी छोटी चीजें, वो छोटी छोटी कहानियां जो स्क्रिप्ट की होती है वो मुझे अंदर तक पहुंचती है। मेरा डॉक्यूमेंट्री वर्क भी आप एक टाइम के बाद देखोगे, जब वो बुक आएगा, जब भी आएगा, अभी थोड़ा टाइम है, काम चल रहा है उस पर, तो आपको वो फील आएगा कि ये पर्सन जो है ना डॉक्यूमेंट्री भी इसने स्ट्रीट स्टाइल में किया है। अच्छा, आप मेरे ट्रेवल की फोटोग्राफ भी देखोगे तो आपको लगेगा कि वो स्ट्रीट स्टाइल में किया हुआ ट्रेवल का, जिसको लोग स्टाइल कहते हैं, वो स्टाइल एक्चुअली नहीं है, वो मेरा नेचर है जो दूसरे को स्टाइल आ रहा है, लग रहा है। आप वैसे तो ही देखते हो चीजों को? हाँ हाँ, चीजें मुझे वैसे ही दिखती है, चाहे वो ट्रेवल की हो, चाहे वो डॉक्यूमेंट्री की हो, चाहे वो मेरे स्ट्रीट की हो, हार्डकोर स्ट्रीट की हो। तो मैंने फिक्स नहीं किया अपने आप को, लोगों को ऊपर छोड़ दिया, आप मुझे ट्रेवल फोटोग्राफर समझते हो, आप मुझे स्ट्रीट फोटोग्राफर समझते हो, और डॉक्यूमेंट्री जब वर्क एक कंसाइज फॉर्म में जब फाइनली बुक में आता है तो आपको समझ में आएगा बहुत वाइडर एस्पेक्ट्स में कि ये पर्सन एक फोटोग्राफर है। राइट, पर मैं अपने आप को बस एज ए फोटोग्राफर देखता हूँ। फ्रेंकली अगर अपनी बात करनी हो मुझे तो मैं बोलूंगा कि आई एम अ फोटोग्राफर।